इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश कांगो है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एडवांस जावा की इस हिंदी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सर्वलेट एक ही एप्लीकेशन में किसी दूसरे सर्वलेट से किस प्रकार कम्युनिकेशन करता है, यानी हम हमारी एक एप्लीकेशन में एक से ज्यादा सर्वलेट का प्रयोग करेंगे और एक सर्वलेट दूसरे सर्वलेट को डेटा या कंट्रोल पास कर पाएगा, सेंड कर पाएगा। दो सर्वलेट आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो ये हम किस प्रकार कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, इसका टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन आज मैं आप सबके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सो हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। माना कि हमारे पास में एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के अंदर एक HTML फाइल है जिसका नाम हमने दिया home.html, ओके। इस HTML फाइल में एक फॉर्म है, ओके, और एक सबमिट बटन है। मान लीजिए फॉर्म में क्या है, फॉर्म में सिंपल यूजर का नेम और उसकी सरनेम के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी हम यहां से ले रहे हैं नेम और उसी के साथ साथ हम जानकारी ले रहे हैं सरनेम के बारे में, ओके। और यहां पर है आपका सबमिट बटन, ओके। अब हम चाहते क्या है, एक्चुअल में हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट साइड पर ये फॉर्म यूजर के सामने आएगा, यूजर इसमें अपना नाम और सरनेम फिल करेगा और उसके बाद में वो इस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही वो इस सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, हम इस डेटा को रिक्वेस्ट के साथ कंट्रोलर पार्ट पर भेज देंगे और कंट्रोलर पार्ट पर हमारे पास होगा एक सर्वलेट जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे चेक सर्वलेट हमने नाम लिखा इसका चेकिंग, ये सर्वलेट चेक करेगा। सो नाम क्या है इसका, चेक सर्वलेट, ओके। सो ये एक प्रकार का सर्वलेट होगा जो इस डेटा को चेक करेगा, ओके। तो जब भी हम यहां से सबमिट करेंगे, ये डेटा पास होगा कहां पर, इस चेक सर्वलेट के पास में। फिर चेक सर्वलेट पर चेकिंग करने के पश्चात अगर सब कुछ बढ़िया मिलता है, सब कुछ ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आगे फॉरवर्ड होगा इस चेक सर्वलेट से अगले वाले सर्वलेट पर। इस सर्वलेट का नाम हम रख देंगे फाइनल सर्वलेट। क्या नाम रख देंगे इसका, फाइनल सर्वलेट, जो फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। यानी आप चाहो तो यहां से डेटा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डिस्प्ले करवा सकते हो, आप चाहो तो यहां से डेटा डेटाबेस में डाल सकते हो। तो जो भी फर्दर प्रोसेसिंग है वो यहां पर इस सर्वलेट में होगी, दैट इज फाइनल सर्वलेट में। सो इस एप्लीकेशन में हमारे पास दो सर्वलेट क्लास होगी, एक सर्वलेट डेटा का वैलिडेशन चेक करेगा, चेकिंग करेगा डेटा के बारे में, हम यहां पर कुछ अप्लाई करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो उस डेटा को रिक्वेस्ट के साथ में अगले सर्वलेट पर जिस पर हम चाहेंगे उस पर फॉरवर्ड कर देगा, ओके। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा हमारे इस एप्लीकेशन का, ओके। सो माना कि यदि मान लीजिए कि मैं इसको चेक कैसे करूंगा, कैसे मैं इसको वैलिडेट करूंगा या कैसे मैं यहां से कंट्रोल पास करूंगा, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रास्ते हैं। देखिए, यदि एक सर्वलेट किसी दूसरे सर्वलेट को डेटा सेंड करना चाहता है, समझिए बात को, यदि एक सर्वलेट किसी दूसरे सर्वलेट को डेटा सेंड करना चाहता है तो उसके लिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट का यूज होता है, दैट इज रिक्वेस्ट डिस्पेचर। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पेचर, ओके। इसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं, ओके, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। नंबर सेकंड जो हम तरीका है
वो तरीका है गेट सर्वलेट मेथड के थ्रू। हम ये काम किसके थ्रू कर सकते हैं? हम ये काम कर सकते हैं गेट सर्वलेट मेथड के थ्रू। ये जो मेथड है ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि जब सर्वलेट लाइफ साइकिल में दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, एक होता है सर्वलेट कॉन्फिग और दूसरा होता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के पास में ये मेथड है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से हम इस मेथड को कॉल करेंगे और वहां से हमारी रिक्वेस्ट को फर्दर सर्वलेट पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक और तरीका है तीसरे नंबर का जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंड रीडायरेक्ट। किसके थ्रू कर सकते हैं? सेंड रीडायरेक्ट। सेंड रीडायरेक्ट के द्वारा भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन सेंड रीडायरेक्ट जो है वो कंट्रोल पास करता है, वो डेटा पास नहीं करता, उसके पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो सेम रिक्वेस्ट को नेक्स्ट सर्वलेट पर फॉरवर्ड नहीं करता। आप बात को समझिए, यहां से जो डेटा, क्लाइंट साइड से जो डेटा आ रहा है वो डेटा एक प्रकार के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आता है, ये मैंने आपको बताया है। ओके, ये सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उसी डेटा को लेकर यहां आगे भी फॉरवर्ड होता है, सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन सेंड रीडायरेक्ट के द्वारा ऐसा नहीं होता। ओनली कंट्रोल वन सर्वलेट टू अनदर सर्वलेट पास होता है। ओके, तो ये किस प्रकार होता है, कैसे होता है, ये हमको थ्योरेटिकली समझना है और उसके बाद में हम फिर इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो देखिए, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म तो आप बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस मैं यहां पर थोड़ा सा फॉर्म का पोर्शन बना देता हूं। तो यहां पर आपके साइड में फॉर्म रहेगा, इसमें आपको एक्शन देना है। एक्शन में आप किसका नाम लिखेंगे? ये जो चेक सर्वलेट है इसका। सो मैं यहां पर नाम दे रहा हूं चेक। ओके, सिमिलरली मेथड आप चाहो तो मेथड दे सकते हैं, बिकॉज हमने अभी एचटीटीपी सर्वलेट पढ़ लिया है, तो आप चाहो तो मेथड का नाम दे सकते हैं। मेथड इक्वल टू, मैं इस यहां पर दे सकता हूं पोस्ट, जो भी आप मेथड रखना चाहें वो मेथड आप रख सकते हैं। आप चाहें तो गेट भी रख सकते हैं और आप चाहें तो पोस्ट भी रख सकते हैं। ओके, और ये यहां पर फॉर्म यहां पर नीचे बंद हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के नाम यहां पर जो हम नाम रखने जा रहे हैं, इसका नाम हमने सिंपल रखा N1 और इसका नाम सिंपल हमने रखा S1। ओके, तो इन दोनों के नाम N1 और S1 रहेंगे। नाउ चेक सर्वलेट हमको डिजाइन करना है बाय HTTP सर्वलेट के थ्रू। ओके, और वहां से हम यहां पर चेकिंग करके नेक्स्ट वाले पर हम करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बता रहा हूं, रिक्वेस्ट डिस्पेचर के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। सो उसके लिए, रिक्वेस्ट डिस्पेचर के लिए हम किस प्रकार से यहां पर कोडिंग करेंगे, किस प्रकार इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम web.xml में करेंगे, वो सारा पोर्शन मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यदि आपका कोई कमेंट है तो। ओके, इसका पूरा कोडिंग और सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।